देहरादून के डोईवाला के लच्छेवाला टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार बाइक ने महिला टोल कर्मी को मारी टक्कर। हादसे का वीडियो फुटेज आया सामने। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मेरठ में रिक्शा से टकराकर सड़क पर गिरे बाइक सवार को टेम्पो ने कुचला, मौके पर हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। सहारनपुर में केदकी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 6 से ज्यादा दबंगों ने की महिला की पिटाई। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में महिला को लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। कुछ युवक महिला को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। महिला के साथ उसके बेटे और बेटी को भी पीटा। पुलिस ने महिला की पिटाई करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बागपत में सराफा व्यापारी को सांड ने उठाकर पटका। अपनी दुकान के पास टहल रहा था सराफा व्यापारी। व्यापारी को नहीं आई गंभीर चोट। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नोएडा सेक्टर 11 और 12 में मौजूद मेट्रो हॉस्पिटल पर आयकर विभाग का छापा। कागजों की जांच पड़ताल में जुटी आयकर विभाग की टीम। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। गैंगस्टर के बुलेट खरीदने वाले पीआरओ पर हुई कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ अजय मिश्रा हटाए गए। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने की बड़ी कार्रवाई। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी करेंगे मामले की जांच। महोबा में एबीपी गंगा की खबर का असर। सरकारी कागजों में मृत दिखाए गए बुजुर्गों की शिकायत पर जांच शुरू। 2 सदस्यीय टीम ने गांव में जाकर पीड़ितों से पूछताछ की। एसडीएम सदर और समाज कल्याण अधिकारी ने जांच कर डीएम को सौंपी रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी में 59 अभियंताओं के ट्रांसफर रद्द होंगे। ट्रांसफर नीति के खिलाफ जाकर हुए थे तबादले। समूह क और ख के अफसरों का हुआ था ट्रांसफर। यूकेएससी परीक्षा लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। लखनऊ से सॉल्यूशन इंडिया कंपनी का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। परीक्षा की आउटसोर्सिंग एजेंसी के सॉल्यूशन इंडिया कंपनी एजेंसी है। अनिल राजभर का उपकाश। राजभर पर तंज। बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती है सुभाषपा की छड़ी। राजभर अपने और अपने बेटे के लिए करते हैं राजनीति। छड़ी सहारा खोज रही है और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। अनिल राजभर बोले, ओपी राजभर को सभी दल पहचान चुके हैं। इन्हें कोई नहीं लेगा। भाजपा को वोट के हिसाब से सुभाषपा की जरूरत नहीं। ये लोग बंद कर देंगे। मैं तो यही कह रहा कि आखिर इस तरह की राजनीति का जिसमें कहीं कोई समाज का भला नहीं हो सकता, हमारे महापुरुषों का भला नहीं हो सकता, हमारे मान सम्मान की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति का अंत तो कभी ना कभी होना है। सपा ऑफिस में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बड़ी बैठक। पार्टी की रणनीति पर किया मंथन। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कांवड़ियों के सम्मान को बताया रेवड़ी कल्चर। कहा, इन पर फूल तो कम से कम हमारे घर तो ना तोड़े जाए। यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के होदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम इसका वेलकम करते हैं। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है। और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295/153 लगाते आप। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ओवैसी के ट्वीट पर किया पलटवार। कहा, कांवड़ यात्रा एक बार होती है जबकि सड़कों पर नमाज हर रोज पढ़ने की कोशिश होती है। कांवरिया सड़क के ऊपर साल में एक बार आता है और वो जाता है जल चढ़ाने के लिए। ओवैसी को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन सड़क के ऊपर रोक कर नमाज को रोज पढ़ने वाले वो किस आधार पर? क्या कोई उनकी आस्था के लिए वो नमाज पढ़ रहे हैं? वो आस्था के लिए नहीं, अपने आप को एक दबंगई अपनी दिखाने के लिए। लखनऊ में आज यूपी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर 6:30 बजे होगी मीटिंग। एमएलसी के नामों पर चर्चा सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री होंगे शामिल। चित्रकूट में यूपी भाजपा के नेताओं का लगेगा प्रशिक्षण शिविर। 29 से 31 जुलाई आयोजित शिविर में यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग विषयों पर होगी चर्चा। 31 जुलाई को सीएम योगी भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। जेपी नड्डा भी कर सकते हैं शिरकत।
लखनऊ में सीएम योगी ने मंकी पॉक्स और कोविड की प्रिकॉशन डोज को लेकर की बैठक, लोक भवन में अधिकारियों के साथ की चर्चा। शाजापुर में पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेन प्रसाद ने भगवान परशुराम के किए दर्शन। फरुखाबाद जिले में रामगंगा से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। रास्ते में रुकवाकर कांवड़ियों का भी स्वागत किया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रयागराज में विरोध हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अदालत ने अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने की बढ़ाई तारीख, अब 10 अगस्त तक पेश करने की मिली नई डेट, तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। हाजी वसी के बेटे की जमानत अर्जी खारिज, D2PFI और जौहर फैंस एसोसिएशन की को फंडिंग का आरोप है। नई सड़क बवाल में भी अब्दुल रहमान ने की थी फंडिंग। कानपुर हिंसा में वांटेड अकील खिचड़ी का सरेंडर, कोर्ट से जेल भेजा गया आरोपी अकील खिचड़ी, हिंसा के बाद से फरार। बिकरूकांड के मुख्य आरोपी विकास के भाई पर होगी कार्रवाई, मकान होगा जब्त, मकान की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 282 नए कोरोना मरीज, प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1180। मथुरा के औरंगाबाद कस्बे में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, मेवाती मोहल्ले में मांस बिक्री का आरोप लगाते हुए फायरिंग की, पुलिस के पहुंचने पर बाइक छोड़कर भागे। फिरोजाबाद में दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट कर गोली मारी, महिला ने दबंगों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है, महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। जालौन में शिक्षिका का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता शव मिला, कोच कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास का मामला। उत्तराखंड में सरकारी बंगलों पर काबिज नेताओं से बंगले खाली कराने की तैयारी, चुनाव खत्म होने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने की तैयारी। आगरा के सेया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई, अंधेरे में हो रहा है मरीजों का इलाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में सड़क निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी से हुए गड्ढे में डूबकर मासूम की मौत, शहर कोतवाली क्षेत्र के भरखरी गांव की घटना। बरेली में इतिहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान फिर से आया सामने, कहा भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज को बना दिया है धंधा, विपक्ष से तौकीर रजा ने की ममता बनर्जी का चेहरा आगे करने की बात। आगरा में मंत्री नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में आगरा और अलीगढ़ मंडल के आबकारी अधिकारियों के साथ बैठक की, जहरीली शराब को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में फरियादी से बर्बरता करना, SO समेत बीट पुलिस टीम को पड़ा भारी, SP ने फरियादी के साथ बर्बरता करने वाली पूरी टीम को किया निलंबित। साइबर क्राइम को लेकर गोंडा पुलिस का सख्त अभियान, पुलिस ने साइबर क्राइम का शिकार बनी पीड़िता को पैसे वापस दिलवाए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। बहराइच में किडनैपिंग का अजीबोगरीब मामला है सामने, युवती को बाग के ले जाने की खबर निकली फर्जी, प्रेमी के साथ फरार थी युवती। इस प्रकरण में एक अलग टीम भी लगाई गई थी जो लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही थी और इस मामले को की जानकारी में लगी हुई थी और उस टीम ने उस लड़की को बरामद कर लिया है और ये जो सूचना थी वह झूठी थी और झूठी सूचना देने वाले और उसकी जो भी उसमें लगे लोग थे, जो भी संलिप्त लोग थे, उनके विरुद्ध प्रति कार्रवाई सुनिश्चित की गई। गाजियाबाद वेस्टर्न पेरिफेरल पर लगा जाम, थाना मसूरी क्षेत्र का है मामला। सोनभद्र में पुलिस ने 59 आदिवासी महिलाओं को अवैध कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अतिक्रमण हटाने के विरोध में तहसीलदार और वन अधिकारी से उलझी थी महिलाएं, जंगल से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम, रुद्दी वन क्षेत्र का है मामला। सोनभद्र में 10 लाख मीट्रिक टन अवैध कोयला रेलवे साइडिंग पर पकड़ा गया, कृष्णशिला रेलवे स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी से कोयला हुआ बरामद, ट्रेन 4 दिन से रेलवे ट्रैक पर खड़ी। एटा के रहने वाले जितेंद्र चौहान के लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर चुने गए हैं, गांव पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बरेली में नशे के खात्मे को लेकर IG रमित शर्मा ने की नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत, सभी पुलिसकर्मियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। अलीगढ़ में मानव तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने कई लड़कियों को किया बरामद, नौकरी का झांसा देकर झारखंड से लड़कियों को लाया गया। युवती द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसकी सूचना थाना गांधी पार्क को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आगे उचित कार्रवाई की जाएगी।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन विभाग में हमलावर बाघ की तलाश लगातार जारी। कई बाघों की मौजूदगी की खबर आई सामने। वन विभाग ने पिछले 10 दिन से चला रखा है अभियान। गाजियाबाद में बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान में की लूटपाट। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। दुकान से लाखों के जेवर लेकर हुए फरार। बापूधाम थाना क्षेत्र के संजय नगर का। लगातार हो रही बरसात से प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी के बीच मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। नहीं हो पाई है शव की शिनाख्त। अल्मोड़ा में तेंदुए की दहशत। तेंदुए ने डॉगी पर किया हमला। तेंदुए का एक शावक भी इसी इलाके में मिला था। जालौन के कुदारी गांव में सरकारी स्कूल बना जानवरों का तबेला। स्कूल में जगह जगह गंदगी का अंबार। बच्चों को गंदगी से गुजरकर क्लासरूम तक जाना पड़ता। मंकी पॉक्स को लेकर गाजियाबाद के अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं। जिले में मिला है मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज, जिसका सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेज दिया गया। झांसी के कस्बा टहरौली में करंट लगने से गर्भवती महिला और उसके 2 साल के बच्चे की मौत। केबल से छत पर रखे सरिये में आया था करंट। रुड़की के गणेशपुर में शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत। पुलिस और फोरेंसिक टीम बारीकी से पड़ताल में जुटी हुई है। कर्णप्रयाग और लंगासू के बीच उमट्टा में पहाड़ी से लगातार गिर रहा मलबा। पत्थर और मलबा गिरने से तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। बांदा में डीएम की गाड़ी को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे डीएम अनुराग पटेल। शहर कोतवाली क्षेत्र के अतर्रा चुंगी चौकी का मामला। मेरठ में करंट लगने से 6 साल की बच्ची की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई मौत। बिजली के खंभे को सपोर्ट वायर में उतरा था। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में बनकर हुआ तैयार। 5,000 करोड़ की लागत से 24 महीने में ही तैयार हो गया है। अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन। गाजीपुर के जंगीपुर कांड के आरोपियों का मुकदमा सरकार ने लिया वापस। 15 अगस्त 2015 को जंगीपुर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे 69 नामजद और 900 अज्ञात पर दर्ज हुआ था मुकदमा। गोरखपुर में बन रही है बांस की इको फ्रेंडली राखियां। वोकल फॉर लोकल का संदेश देती इको फ्रेंडली राखियों का वन विभाग करवा रहा है इनको तैयार। चंदौली में सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। काली मोहाल चौक पर इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा ओपी राजभर हैं अविश्वसनीय नेता। कांग्रेस को भरोसे वाली पार्टी और नेता की आवश्यकता। कानपुर के जिला अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज का वीडियो वायरल। प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों को देख रहे हैं सरकारी डॉक्टर। तीमारदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लगी। दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर राख हुआ। धू धू करके जली पूरी दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सीतापुर के महमूदाबाद में आवारा पशुओं से नाराज ग्रामीणों ने पशुओं को गांव के सरकारी अस्पताल में किया बंद। अस्पताल के बाहर बैठे ग्रामीण कई घंटे बीतने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्राम पोखरा कला का है। प्रतापगढ़ में व्यापारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। बुलडोजर लेकर सब्जी मंडी में कार्रवाई करने पहुंचा था भारी पुलिस बल। कार्रवाई का विरोध कर रहे धरने पर बैठे व्यापारी सब्जी मंडी में बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस, जिसके बाद हुआ हंगामा। सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से गई गर्भवती महिला की जान। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस देर से पहुंचने और सही समय पर इलाज न मिलने से हुई। अलीगढ़ के माचवा गांव में खेती में पानी लगाने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। फायरिंग कर एक पक्ष की महिला को कपड़े फाड़ने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। में डाक कांवड़ देखकर लौट रहे दो भाइयों समेत 3 युवकों पर हुआ जानलेवा हमला। तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे मौके पर शुभम नाम के युवक की मौत। शुभम के भाई और साथी ने जमकर भागकर बचाई जान। पुरानी रंजिश को लेकर दिया गया वारदात को अंजाम। मौके पर पुलिस ने कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। शुभम के भाई ने गांव के ही 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मेरठ एसटीएफ ने माफिया डॉन भूपेंद्र बापर को गंगा नहर से किया गिरफ्तार। गैंगस्टर मामले में वांछित था। दिल्ली एनसीआर में मंकीपॉक्स की दस्तक से नोएडा में अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा। जिले में 10 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। मरीजों पर बारीकी से रखी जा रही है नजर। रायबरेली में विशाल काय अजगर निकलने से मचा हड़कंप। मोर को बना रहा था निवाला। नजर पड़ने पर मोर को बचाने आए ग्रामीण। चंपावत में 3 शावकों के साथ घूमती नजर आई बाघिन। रात के अंधेरे में घूमती बाघिन का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गांव के लोगों में दहशत। गंगोत्री नेशनल हाईवे
बंद कोर्ट के पास भारी मात्रा में भूस्खलन से हड़कंप, दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। जनपद का मुख्यालय से कटा सड़क। ग्रेटर नोएडा की बेटी बबीता नागर ने विदेश में लहराया परचम तिरंगा, नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जीता गोल्ड मेडल। कोटद्वार में तार फंसने से गुलदार की हुई मौत, एक घर की छत से कूदकर भाग रहा था गुलदार, तार पे फंसा। उत्तराखंड की लोक कला एपन को अब मिलेगी विशेष पहचान, पिथौरागढ़ में लोक कला एपन डिजाइन से तैयार साड़ी को डीएम आशीष चौहान ने लॉन्च किया। आगरा में कुत्ते के हमले से 10 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत, थाना सिकंदरा इलाके का है पूरा मामला। गली वली श्रीनगर गढ़वाल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, फुटपाथों और सड़कों के किनारों से अतिक्रमण को हटवाया गया। मसूरी में धनोल्टी के सुरकंटा देवी में वृक्षारोपण कार्यक्रम, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे हरिद्वार, अपनी माता सावित्री देवी की अस्थियों को विसर्जित किया, 24 जुलाई को उनकी माता का निधन हुआ। कानपुर नगर निगम के दावों की फिर खुली पोल, कुछ देर की बरसात से शहर में जलभराव, जूही अंडरपास में कार पानी में फंसी। रुद्रप्रयाग के सूरभगढ़ में खुला बद्रीनाथ हाईवे, पहाड़ी से आए मलबे की वजह से बंद हो गया था हाईवे। धारचूला में सेना के वाहन पर गिरा मलबा, एक युवक की हुई मौत, सेना के दो जवान भी हुए घायल। भारत चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली तवा घाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। उत्तराखंड में 30 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, उत्तरकाशी नैनीताल रुद्रप्रयाग चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। प्रयागराज में स्कूल के बाहर बमबाजी करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार, इनमें से 10 छात्र हैं नाबालिग। छात्रों के गुटों में वर्चस्व की जंग को लेकर हुई बमबाजी, छात्रों ने तांडव और इमोटर नाम से सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रखा था, हमला कर वीडियो बनाकर पोस्ट किया करते थे। पीलीभीत में दबंगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। पट्टेदार किसानों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा करने की कोशिश की, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की, पचपेड़ा तालुके के महाराजपुर गांव की घटना। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की लाइव तस्वीरें आई सामने, हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश पर सीएसपी केंद्र संचालक की हत्या का आरोप है, थाना दन्नाहर इलाके का ये पूरा मामला। गोंडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में लूट की घटना का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश, कब्जे से एक बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। कासगंज में कानून गो हरिदत्त शर्मा का रिश्वत लेते वीडियो हो रहा वायरल, सोरो इलाके के शख्स से दस्तावेज में नाम दर्ज कराने के लिए रिश्वत मांगी। कानून गो की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल होते ही डीएम ने संज्ञान लिया, मामले की जांच एसडीएम को सौंपी। हरिद्वार में रिहायशी बिल्केश्वर कॉलोनी में गुलदार ने कुत्ते पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में कैंटर ने बाइक सवार दो लोगों को मारी जोरदार टक्कर, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स ने तोड़ा दम, दूसरे का चल रहा है। हादसा कोतवाली इलाके के नदरे गेट पर हुआ, पुलिस ने आरोपी चालक को कैंटर समेत पकड़ लिया है, चालक को हिरासत में लेकर शुरू की कार्रवाई। नोएडा में कार सवार ने तीन कारों को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल होने से बाल बाल बचे हैं, एक पैदल युवक को भी कार। बाराबंकी में गैस रिफिलिंग करते वक्त वैन में लगी आग, वैन पूरी तरीके से जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वैन में अवैध तरीके से भरी जा रही थी गैस एजेंसी के लोगों की लापरवाही से हुआ हादसा। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, अब गंगा आरती का स्थान बदल गया है, अपने अपने स्थान से ऊपर हो रही है गंगा आरती, श्रद्धालुओं को परेशानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।